आदर्शनगर थाना पुलिस की टीम ने 2 जुलाई की शाम हुई लूट की गुत्थी सुलझाई, 2 गिरफ्तार। आदर्शनगर थाना पुलिस की टीम को 2 जुलाई की शाम करीब 5 बजे पीसीआर के जरिए सूचना मिली कि M2 के पार्क में एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आदर्शनगर थाना पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि इस लूट की वारदात में उनके साथ उनका नाबालिग साथी भी शामिल था, जिसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से आदर्शनगर थाना पुलिस की टीम ने लूटा गया मोबाइल फ़ोन व 2000 रुपये की नकदी व एक धारदार चाकू बरामद किया है। वहीं आरोपियों ने पार्क में टहलते समय कैलाश नाम के व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कैलाश आज़ादपुर फल मंडी में फल बेचने का काम करता है, जिसको लेकर जब वह शाम के वक्त पार्क में टहल रहा था, उसी दौरान आरोपियों ने चाकू की नोक पर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। बहरहाल इस मामले में आदर्शनगर थाना पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित सिंह उर्फ कालू लालबाग के रूप में हुई है। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान संजीत सिंह उर्फ बहुआ के रूप में हुई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है आदर्शनगर थाना पुलिस की टीम। आदर्शनगर थाना पुलिस की टीम का दावा है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली के कुछ और आपराधिक मामले खुल सकते हैं।